Hello friends, welcome to Aisha's Blogs. Please like this video and subscribe my channel and hit the bell icon for more updates. बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है मेरे को, आज ढोकला बनाने की भी रिक्वेस्ट आई है, तो आज मैं ढोकला बना रही हूँ। तो इसके लिए मुझे जो जो चाहिए, बेसन, चीनी, धनिया पत्ता, पानी, तेल, मस्टर्ड सीड, सूजी, दही, ग्रीन चिली, हल्दी पाउडर, नमक, इनो। अब मैं एक बाउल ले ली, अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बेसन, इसके बाद डाल रही हूँ मैं सूजी। अब बेसन और सूजी को मैं बहुत अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब मैं डालूंगी दही, दही डाल के मैं अच्छी तरह इनको मिक्स करूंगी। इस बैटर को थोड़ी पतला बनाने के लिए मैं अब लूंगी थोड़ी थोड़ी करके पानी, पानी लेके अच्छी तरह बैटर को मिक्स करूंगी। एक साथ ज़्यादा पानी मत डालना आप लोग, थोड़ी थोड़ी करके डालना। इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। मेरी बैटर तैयार हो चुकी है। अब मैं बैटर के अंदर सारे मसाला डालूंगी। ग्रीन चिली डाल दी मैंने, अब डालूंगी हल्दी पाउडर, अब डाल रही हूँ चीनी, नमक, इसके बाद मैं डाल रही हूँ ऑयल। अब बैटर के साथ मसालों को अच्छी तरह मिक्स करना है, ऐसे फास्ट फास्ट मिक्स करना है अच्छी तरह। अब इस बैटर को एक साइड में रखना है और एक ओवन प्रूफ डिश लेके उसके अंदर तेल अच्छी तरह ग्रीस करना है ऐसे करके। अब बैटर के अंदर डालेंगे इनो, डाल के थोड़ी पानी छिड़क के जल्दी से मिक्स करेंगे। अब देखते ही देखते ये बैटर अच्छे से फूल जाएगा। देखो अब ये अच्छे से फूलने लग गया बैटर। अब मैं इस बैटर को ओवन प्रूफ डिश में डालूंगी। अब इसको ओवन में डालेंगे 5 मिनट के लिए। मैं ओवन स्टार्ट कर दी, 5 मिनट में तैयार हो जाएगी ढोकला। 5 मिनट हो गई है, एकदम अच्छी तरह बन गई है मेरी मज़ेदार ढोकला। अब मैं इसको एक प्लेट में डाल लूँगी। ढोकला एकदम सॉफ्ट बन गई है। अब मैं इसको पीसेस करके काट लूँगी। आप लोग आपकी मन की तरह पीसेस करके काट लेना। एक पैन गरम कर लूंगी, उसके अंदर तेल डालूंगी, अब डालूंगी मस्टर्ड सीड, डाल के थोड़ा फ्राई करूंगी, इसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर ग्रीन चिली,
धनिया पत्ता, देखिए सब अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, नमक डाल के अच्छी तरह मिक्स करके हाफ कप पानी डालूंगी। डाल के ढोकले की टेम्परिंग तैयार करेंगे। उबल आ चुकी है। अब मैं इसको ढोकला के ऊपर थोड़ी थोड़ी करके डालूंगी। अब मैं थोड़ी धनिया पत्ता देके इसको गार्निश करूंगी। बस तैयार हो गई मेरी मजेदार ढोकला। ये बहुत ही टेस्टी है। आप लोग जरूर घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कैसे बने। मैं एक पीस आपको खोल के भी दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियोज़।